शॉपिंग सेंटर में पूर्व पार्षद जसपाल अरोड़ा के घर में उल्लुओं के जोड़े ने नेस्ट बनाकर चार बच्चों को जन्म दिया। आवाजें आने पर जब छत पर जाकर देखा तो चार बच्चे ठंड से ठिठुर रहे थे, जिस पर हिम्मत दिखाते हुए बच्चों को एक कार्टून में डालकर चिड़ियाघर प्रशासन को सौंपा, जहां चिड़ियाघर के कर्मचारी इनकी डॉक्टर से जाँच करवाएंगे और इसके बाद इन्हें जंगल में छोड़ा जाएगा। शॉपिंग सेंटर में मैं 114 नंबर, मेरा मकान नंबर है निर्मला फर्नीचर के नाम से। वहाँ क्या अक्सर रात को उल्लुओं की आवाज़ आती थी। हम लगभग महीने भर से इनको देख रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे थे। आज हमने जहाँ पे बैठते थे उस जगह को खोल के देखा, वहाँ पे हमने कहा इसको बंद कर दे, जगह को अंदर देखा तो साहब दो तो बड़े थे और उनके दो बच्चे थे। उस बात पर ही हमारे जगदीश जी हैं, जगदीश जी ने हिम्मत करके उनको निकाल के बाहर और कार्टून में उनको रख लिया और कार्टून में ला के हम यहाँ पे वन विभाग के ऑफिस में यहाँ ले आए और इनके हैंडओवर कर दिया। तक ये दो बच्चे हैं, दो बड़े, इनको दो चार दिन रखेंगे, डॉक्टर साहब को दिखाएंगे कि सही है कैसे, फिर इनको जंगल में रिलीज कर देंगे। अच्छा, तो क्या लग रहा है छोटे, मतलब तबीयत तो सही रहेंगे? हाँ, अभी डॉक्टर साहब को बुलाएंगे, वो देखे वही कंफर्म करेंगे डॉक्टर साहब। ही कितने हैं? चार हैं। वहीं शहर के वल्लभ नगर की सिंधी कॉलोनी में बंदरों का आतंक है, जिसको देखते हुए स्थानीय पार्षद सुरेंद्र राठौर को कई बार वार्ड के लोगों ने शिकायत दी, जिस पर उसने निगम के अधिकारियों से बातचीत कर बाहर से बंदरों को पकड़ने के लिए टीम बुलाई। नगर निगम ने बंदरों को पकड़ने के लिए मथुरा की टीम को बुलाया है, जल्द ही टीम कोटा आकर बंदरों को पकड़ेगी और जंगलों में छोड़ा जाएगा।